ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अगर वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है तो आपको कंफर्म सीट मिलेगी। ये नई सुविधा शुरू हुई है। अब चार्टिंग स्टेशन मतलब जहाँ से आरक्षण चार्ट जारी होता है, तो अब चार्टिंग स्टेशन के कोटे का बर्थ खाली रहता है तो ऑटोमेटिक अगले चार्टिंग स्टेशन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका सीधा फायदा वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को मिलेगा, उनकी बर्थ कंफर्म हो जाएगी। रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद ये व्यवस्था लागू हो चुकी है। वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को कंफर्म बर्थ है या नहीं, इसे लेकर असमंजस की स्थिति न रहे, इसलिए रेलवे ने एक व्यवस्था ये बनाई है कि उनके मोबाइल पर कंफर्म बर्थ का मैसेज आएगा। ये तो क्या बहुत पहले से चालू हो चुका है, पर आपको वही नंबर देना होगा जिस पर आपने टिकट बुक कराई है अगर वेटिंग है तो। इसमें कोच और बर्थ दोनों की जानकारी होती है। इस मैसेज को टीटी को दिखाकर यात्रा कर सकते हैं। रेलवे की इस सुविधा का फ़ायदा लेने के लिए यात्रियों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो आरक्षण चार्ट में वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जिससे लेकर वह यात्रा करेंगे। यह भी बता दें कि टीटीई कोटे की बर्थ को यात्री बुक नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगले कोटे तक जो सीट खाली रहेगी उसे ज़रूरतमंद यात्रियों को दे सकेंगे। इसके अलावा ट्रेन में नहीं पहुंचने वाले यात्रियों की सीट की ही बुकिंग हो कर पाएंगे। इसका अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है। नई सुविधा के अनुसार PRS मतलब यात्री आरक्षण प्रणाली स्वतः दूसरा चार्ट तैयार होने के बाद आरंभिक स्टेशन पर उपलब्ध खाली सीटों के बाद के स्टेशनों पर जहां वेटिंग लिस्ट के यात्री उपलब्ध होंगे उन्हें सीट आवंटित कर देगी। यात्री को उनके पंजीकृत मोबाइल पर SMS प्राप्त होगा जिसमें आवंटित कोच और बर्थ संख्या के बारे में बताया जाएगा। यह रोड साइड स्टेशन पर चढ़ने वाले यात्रियों को कंफर्म सीट पाने में मदद करेगा। फिलहाल ऐसे यात्रियों को कंफर्म सीट तभी मिलती है जब स्टेशन के लिए आवंटित पुल्ड कोटा जिसे PQ बोलते हैं, पुल्ड कोटा की कंफर्म सीटें रद्द होती है। फिर TTE जब खाली सीटों को ट्रेन खुलने के बाद सिर्फ अगले स्टेशन तक के लिए खाली सीट आवंटित कर सकेंगे जहाँ ट्रेन के लिए कोटा उपलब्ध है। अगर अगले स्टेशन पर कोई व्यक्ति नहीं चढ़ता है तब TTE उसे अगले कोटा स्टेशन तक फिर बढ़ा सकेगा। आपको बता दें कि 3 लाख सीट प्रतिवर्ष खाली रह जाती है जबकि बीच के स्टेशन पर उसकी मांग हो सकती है। यह प्रणाली आरंभिक स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान के समय उपलब्ध सीटों के बेहतर उपयोग में मदद करेगी और सीट आवंटन में TTE को उपलब्ध विशेषाधिकारों को खत्म करेगी। ये अच्छी चीज़ है। फिर दो चार्ट जारी होने से फ़ायदा ये होगा कि पिछले दिनों ट्रेन आरक्षण चार्ट के नियम में बदलाव किया गया है। इसके तहत प्रत्येक ट्रेन को 2 चार्ट जारी होता है। पहला चार्ट ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले और दूसरा चार्ट आधा घंटा पहले। इस व्यवस्था से एक फ़ायदा यह हुआ है कि किसी भी ट्रेन का आधे घंटे पहले तक रिजर्वेशन हो रहा है। इसका फ़ायदा भी अचानक यात्रा करने वाले यात्रियों को मिल रहा है। ऐसे यात्री जिनका टिकट वेटिंग में है उन्हें अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वेटिंग टिकट लेकर जिस बर्थ पर जाते हैं वहाँ कंफर्म बर्थ के यात्री आपत्ति करते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।